अगर आज का वीडियो आप पूरा अगर देखते हैं तो हम आपको बता दें कि साइकस के पौधे को कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में दोस्तों हम बताएँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसमें इंसेक्ट का भी अटैक लगता है और इंसेक्ट के अटैक से कैसे दोस्तों हम बचते हैं इस वीडियो में दोस्तों हमने बताया। दोस्तों अगर वीडियो को प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा क्योंकि पूरा एक बार देखेंगे तो आपके गार्डन में जो साइकस का पौधा आपने लगा रखा है सागो इसका दूसरा नाम है और उसके बाद इसको कंगी पाम भी इसे कहते हैं दोस्तों इसको लगा रखे होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके गार्डन में नहीं आएगा इस पौधे के रिगार्डिंग। चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले कौन से इस पर काम करते हैं दोस्तों। आपको पहले सबसे पहले हम दिखा दें कि देखिए मेरे पौधे पर ये थोड़ा सा इंसेक्ट का यहाँ पर अटैक आ चुका है आप देख सकते हैं और ये पूरा पत्ती एकदम ये इस तरीके से ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। इसमें सबसे पहला आपको काम ये करना है कि मैंने इसको नर्सरी से बहुत छोटा बल्ब लेकर आया हुआ था लेकिन देख सकते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी खासी ठीक ठाक है। थोड़ा इसमें इंसेक्ट का अटैक हो गया है इससे भी बचने का उपाय हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला काम इसमें आपको करना क्या है कि जितनी भी इस तरीके के जो आप देख रहे हैं जो पत्ती इतने हैं इस पत्ती को कट करके आपको निकाल देना दोस्तों। कट करके निकालना जरूरी इसलिए नहीं तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ये नुकसान आपके लिए कर देगा। ये एक पत्ती से दो पत्ती में इस तरीके से ये पहुंच जाएगा और इसको आप निकाल के इस तरीके से आप इसको हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो पौधा होता है इस पौधे की गार्डन में आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है अगर अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं तो इसमें आपको एक काम ये करना है कि आप देख सकते हैं इसको लगाने के लिए आप नर्सरी से इसे आप परचेज कर सकते हैं। नर्सरी से अगर परचेज करेंगे थोड़ी सी बहुत महंगा मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर हम बता दें इसको कैसे लगाते हैं लगाने के लिए आपको हम थोड़ा सा दिखा दें कि अगर दोस्तों अगर ये आपके पास बहुत ज़्यादा दिनों का पौधा है साइकस का पौधा अगर मेच्योर हो गया है तो होता क्या दोस्तों कि ये दो तरीके से लगता है। दो तरीके में जो पहला तरीका है एक यहाँ से बल्ब निकलना शुरू होगा वो बल्ब दोस्तों कब निकलेगा आप देख सकते हैं ध्यान से हल्का सा यहाँ पे निकलना ये शुरू हो रहा है। और दोस्तों ये होता है कब ये होता है जब ये पौधा मैच्योर होता है तब जाके यहाँ से बल्ब निकलना शुरू होता है। और उस बल्ब को निकाल के हमें करना क्या है कि 50% मिट्टी और 50% रेत दोनों को मिक्स करके आप उसमें लगा सकते हैं दोस्तों। थोड़ी सी उसकी ग्रो स्लो होगी लेकिन महीने दो महीने बाद देखेंगे अच्छे तरीके से वो आपका एक दूसरा प्लांट बन के हो जाएगा तैयार दोस्तों। मैच्योर पौधे में से एक यही खास बात है कि जितना यहाँ से बल्ब निकलेगा उतना आप यहाँ पे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है दूसरा तरीका दोस्तों जब ये पौधा आपका मैच्योर होता है तो मैच्योर होता है इसमें फूल आते हैं और उस फूल से दोस्तों उसमें बीज होते हैं उस बीज से भी आप इस पौधे को आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें इसके लगाने की अगर बात हो तो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी 16 इंच के गमले में इसको लगा रखा है आप 12 इंच 10 इंच गमले में इसे लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो मिट्टी है दोस्तों मिट्टी जाहिर सी बात है कि वेल ड्रेन मिट्टी अगर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें रूट कोई डिस्टर्ब नहीं होगा वेल ड्रेन मिट्टी में दोस्तों। अगर मिट्टी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी फोकस आपको डाल दे रहे हैं मिट्टी 40 या 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए उसके बाद 20% सड़ी गोबर खाद 20% आप बर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं उसके बाद नीम की खली ले लीजिए सरसों खली ले लीजिए उसके बाद रॉक फास्फेट ले लीजिए उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ी सी जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इसे पसंद आता है तो बर्मी कंपोस्ट लीप कंपोस्ट सड़ी गोबर खाद तीनों को भी उसमें आप मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। जो आपने पत्ती कट किया है इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं आप ध्यान से देखिए तो यहाँ भी पत्ती ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है साइकस पाम का ये जो डिजीज़ है बहुत ख़तरनाक है और ये लगता है तो पूरे पौधे को दोस्तों ये नुकसान पहुँचा देता है। और इससे बचने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों मैं दो चीज़ें बताऊंगा अगर दो चीज़ें इस पर आप यूज करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलता है। पहला चीज़ छिड़काव के लिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों हम ले लेते हैं पानी और पानी हम इसमें ले रहे हैं आधा लीटर दोस्तों ये आधा लीटर इसके लिए पर्याप्त है एक ही पौधा मेरे पास है। और इस आधा लीटर दोस्तों इसमें क्या हम यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये मेरे पास जैविक कीटनाशक है और ये नीम का बना हुआ है दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि ये अगर आपके पास नहीं है तो आई बटन पर लिंक है जाके आप इसे देख के इसको बनाइए दोस्तों ये इतना बढ़िया काम करता है आपके सभी पौधे पर ये बहुत ही बेस्ट काम करेगा। इसे कितना इसमें मिक्स करना है दोस्तों एक लीटर में इसको मिक्स करना होता है 85 ml लेकिन ये आधा लीटर मैंने ले रखा है तो आधा लीटर में इसको हम मिक्स कर रहे हैं 25 ml जो मेरा मेजरमेंट है ये 25 ml का है
और इसमें हम डाल दिए। दोस्तों ये तो हो गया जैविक कीटनाशक, ये दोस्तों इंसेक्ट और पेस्ट दोनों पे बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा इसमें हमको क्या ऐड करना है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये जैविक एनपीके बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये काम करता है। इसको हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं कि थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ इसकी हरी हो जाएगी। और दोस्तों ये भी अगर आपको नहीं आता होगा कैसे इसको बनाते हैं, तो इसका भी मैंने आई बटन पर लिंक दिया है, जाके इसका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया काम करता है जैविक एनपीके। दोस्तों इसे 1 लीटर में इसको यूज करना होता है 50 ml, लेकिन ये आधा लीटर है तो इसमें हम ले लेते हैं 25 ml और इसको हम मिक्स कर देते हैं। दोस्तों ये ऑर्गेनिक दोनों हैं, दोनों को एक ही मिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद स्प्रे पंप में हम इसमें भर लेते हैं। दोस्तों अच्छे तरीके से हम इसका छिड़काव इस पर हम कर देते हैं। और इसमें दोस्तों आप स्टिकर का भी ऐड कर सकते हैं या डिशवाश का भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास उपलब्ध है तो। दोस्तों ये इसको रिपीट आप कम से कम 1 सप्ताह बाद इसको दोबारा आप इसकी रिपीट कर दिए, ताकि इस पर इंसेक्ट जो ये लगा हुआ है ये इंसेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोबारा हम दोस्तों आप जो जैविक एनपीके है उसका इसको इस पर आप यूज ना करिएगा, बस केवल नीम का बना हुआ जो पेस्टिसाइड है उसी का इस पर यूज करिएगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि इसे फर्टिलाइजर की अगर हम बात कर रहे हैं ज़मीन देने के लिए, दोस्तों इसमें ज़मीन में भी अगर अच्छा फर्टिलाइजर आप देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो होता है। मैंने ले रखा है बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों जो साइकस का जो पौधा होता है, साइकस पाम का, इसे सागो भी कहते हैं और सागो साथ दोस्तों इसे कंगी पाम भी कहते हैं, बहुत दोस्तों इसके अनेक नाम हैं। इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दोस्तों इसे बहुत पसंद है, इसलिए इसमें बर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, बर्मी वास का यूज़ कर सकते हैं, लीप कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं और सड़ी हुई गोबर की खाद की यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि सड़ी हुई गोबर खाद, लीप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, ये 3 ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। आप अपने गार्डन में इसे आप ज़रूर रखिए, क्योंकि किसी भी पौधे में ये तीनों आप देंगे तो उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलता होगा। बहुत लोग इसे दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे बना कर रखते हैं और सभी पौधे में यूज करते हैं, उस रिस्पांस उनको बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों दूसरा आप देख सकते हैं, ये मैंने ले रखा है ऑर्गेनिक NPK 19-19-19। और कितना लिया मैंने, अब इतने से जो बड़े पौधे हैं, इतने बड़े पौधे में कम से कम ये 2 से 3 का मैंने ले रखा है और इसको हम इसी में मिक्स कर रहे हैं। और दोस्तों मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम इसमें पौधे में डाल लेते हैं। और दोस्तों इस होता है क्या है कि बहुत फर्टिलाइजर पाम पौधे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दोस्तों एक बार अगर हैवी फर्टिलाइजर आप दे देते हैं तो ये बहुत दिन तक चलता है। और दोबारा दोस्तों अगर इसको आपको देने की ज़रूरत कब पड़ेगी, कम से कम 1 से 2 महीना बाद इसे फर्टिलाइजर आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा। और इसके अच्छे तरीके से आप इसके चारों तरफ से गुड़ाई कर दीजिए। दोस्तों किसी भी पौधे को गमले में अगर आपने लगा रखे हैं तो उसको निराई गुड़ाई आपको हर 15 दिन पे करना ज़रूरी है, कोई भी पौधा हो। इससे आपको रिस्पांस ये मिलेगा कि उस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से गमले में भी चलती है। अब इसके बाद दोस्तों अगर रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसमें दे सकते हैं पानी। उसके बाद इसमें दोबारा खाद आप दीजिए कम से कम 1 महीने बाद, और वो भी खाद आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर आप देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।